देख रहे हैं भगवान शिव का पवित्र आसन तुंगनाथ मंदिर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विष्णु ब्लॉग वेंचर में। तो मेरे फर्स्ट सोलो ट्रिप के सेकंड डे में मैं पहुंच चुका हूं अपने मंदिर तक, तुंगनाथ टेंपल। तुंगनाथ पहुंचकर मन में जो शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ चंद्रशिला पीक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक है जो बर्फ से कम्प्लीट ढका हुआ है। मार्च के मंथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ कितनी ज़्यादा बर्फ है। ज़्यादा बर्फ होने की वजह से मंदिर के कपाट भी बंद हैं, इसलिए सभी भक्तों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। तो चलिए आप यहाँ के व्यू को एंजॉय करिए और मैं भी कुछ देर यहाँ शांति से बैठकर नेचर के सुंदर व्यू को एंजॉय करूँगा। तब तक आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो मेरे इस सोलो सफर के दूसरे दिन की शुरुआत होती है उखीमठ से चोपता की तरफ। 30 किलोमीटर बाइक राइड करके मैं पहुंच जाता हूं चोपता, और चोपता से स्टार्ट होता है तुंगनाथ टेंपल के लिए 5 किलोमीटर का खूबसूरत ट्रैक, जिसको आप इस सीरीज के पार्ट 3 में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद बाकी वीडियोस को भी देखो और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। चलिए तुंगनाथ टेंपल के बारे में और जानकारी दें। तुंगनाथ हिमालय के शिखर पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने वाले यात्रियों को पवित्र स्थल की शक्ति और शांति का अनुभव होता है। ये मंदिर पंच केदार यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केदारनाथ के बाद पहला स्थल है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को एक ट्रैक करना पड़ता है, जो कि चोपता से शुरू होता है और तकरीबन 5 किलोमीटर का है। ये 5 किलोमीटर का ट्रैक हमें हर कदम पर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के प्राकृतिक दृश्यों में ले जाता है। तुंगनाथ महादेव टेंपल, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध होना सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं है, बल्कि उसकी भरपूर इतिहास में भी है। तुंगनाथ का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि मंदिर को पांडव भाइयों ने उनके वनवास के समय बनाया था, जिससे ये भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक किस्सों से जुड़ा है। रास्ते में मुझे मिलते हैं दो डॉग, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। हिंदू धर्म के अनुसार ये पवित्र स्थल है जहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी, जिससे ये देवभूमि को और ज्यादा पवित्र स्थल बनाता है। तुंगनाथ को देखने का मतलब सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है प्रकृति से जुड़ने का और हिमालय के दृश्यों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का। चाहे आप गर्मी के मौसम में यहाँ आएँ, जब हरी भरी हरियाली देखने को मिलती है, या सर्दियों में जब मंदिर को शीतल बर्फ की चादर ओढ़कर देखा जा सकता है, तुंगनाथ में व्यतीत हर पल अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है विनम्रता और आश्चर्य का। तुंगनाथ रूट की बात करें तो हमारा सफर हरिद्वार से शुरू होता है, जहां हम ऋषिकेश की तरफ 25 किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हैं। ऋषिकेश से हमारा रास्ता हमें शिवपुरी की तरफ ले जाता है, जहां पहाड़ों की शान दिखने लगती है। और जैसे ही हम अपनी यात्रा जारी करते हैं, हम पहुंचते हैं देवप्रयाग संगम तक, जहाँ पवित्र नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा नदी, एक नज़ारा जो हमारे दिल को भावुक कर देता है।
देवप्रयाग से हम आगे बढ़कर रुद्रप्रयाग और उखीमठ तक पहुँचते हैं, जहाँ आप ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर को दूसरा केदार मंदिर भी माना जाता है। अंत में हम पहुँचते हैं चौथा तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक शुरू करने के लिए। ट्रैक की वीडियो को देखने के लिए और ट्रैक से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानने के लिए पार्ट 3 को देखना ना भूलें। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आप देखोगे देवप्रयाग संगम का सनराइज़।